इन दिनों किसानों के लिए बीज बोने का समय चल रहा है और ऐसे में खाद के लिए मारामारी मची है। प्रशासन प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर बताता है कि उसके पास खाद की रैक पहुंच गई या पहुंचने वाली है, पर्याप्त भंडार है, जबकि हकीकत यह है कि किसान लाइन में लगा हलाखान हो रहा है। किसानों का कहना है कि समय निकलता जा रहा है और अभी तक कुल 40% ही बोनी हो पाई है। अगर समय पर बोनी नहीं हुई तो किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का सिर्फ खोखला दावा करती है, लेकिन किसानों के हित का कोई कार्य नहीं कर रही। आइए आपको सुनाते हैं डीएपी की अनुपलब्धता के चलते किसानों का क्या कहना है और कांग्रेसियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। हमारा नाम है राजपति सिंह। कहाँ से आए आप? हम आए हैं मध्यपुर ग्राम पंचायत मध्यपुर। मिल रही है अभी डीएपी? डीएपी ने जो चाहिए वो नहीं मिल रही है जी। 1846 चाहिए, 1846 मिल नहीं रही है। राख मिल रही है? यहाँ राख मिल रही है। 2:30 बजे से यहाँ परे हैं, अभी बजने को है 12। आज जैसे 4 तारीख हो गई जी, 4 दिसंबर जी। तो बोनी कितने परसेंट हो गई होगी? बोनी अभी कहाँ हुई है, अभी कितने परसेंट हो गई? 1-5% खूब। बोनी अभी पूरी बाकी? पूरी बाकी है। पेपर में जो आया 50-52, पेपर में क्या कहें। अरे जाए वहाँ तो आप चलिए हमारे साथ, हमारे यहाँ ज़्यादा तो नहीं 500 एकड़ की धरती है मध्यपुर में, उसमें 1% वो है बुवाई। अरे एक हमारे अब बोल रहे हैं सतना जिला वालों को खाद ना दी जाएगी। कहाँ से आए आप? सतना जिला के हैं, हमें यहीं पास है, मेरी बजलक बगल में बॉर्डर में, पर यहाँ बोल रहे हैं कि सतना जिला वालों को खाद नहीं देंगे। अब नहीं तो आपका जिला सतना लग रहा है कि रीवा? सतना लग रहा है। सतना में मिलनी चाहिए। अरे सतना में तो खाद का है, खाद में क्या अंतर सतना रीवा में? खाद में लिखा कि रीवा वालों को मिलेगी सतना वाले, ऐसे थोड़ी होता है कि किसान वालों परेशान हो रीवा सतना जाए इधर उधर। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं? ऐसा कहे नहीं ले सकते। मानो डालडा लेना हो तो रीवा मिल जाए, साले को शक्कर लेना रीवा मिल जाए, खाद सतना जाए लेने हम हैं, और सब रीवा मिल जाएगा हमको। गाँव देव मोह दलदल है सतना जिला में, रामपुर बाघेला तहसील हमारी है। वहाँ नहीं पहुँचे खाद? कहाँ खादी सद्दा में है, वो कि सद्दा 60 किलोमीटर है, रीवा में हमारा घर बना हुआ है, रीवा में रहते हैं हमें, सब जो कुछ लेना तो रीवा में ले, खाद लेने सद्दा जाए हम लोग। हैं नहीं मिल रही है? नहीं दे रहे, काउंटर से वापस कर दिए हमको। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह पटेल। निवासी देव मोह दलदल पंचायत है। अभी तक आपको खाद नहीं मिली? नहीं मिली साहब, 8 बजे माने 7 बजे के बैठे हैं। 7 बजे सुबह बोनी लगभग कितनी हो चुकी है? अरे बोनी अभी तो पूरा बाकी है, 1/3 हुई है, 2 हिस्सा भी बाकी है। पूरी बाकी है तो 4 दिसंबर हो गए जी जी। तो कब बो पाएंगे? खाद भी नहीं मिल रही तो क्या करें अब? ऐसा खाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। बांसी गाँव से। बांसी खाद नहीं मिली अभी आपको? नहीं। बांसी गांव से। आज 4 दिसंबर हो गई तो क्या बोनी कितने परसेंट हो चुकी है? बोनी हुई कुछ? ये कब? नहीं कुछ नहीं बोनी हुई। नहीं फिर कैसे काम चलेगा? अब आज आए लाइन में तो मिलेगी तो वो भरेगा। अभी तक खाद नहीं मिली? अभी तो आज तो आए हैं तो कहाँ से मिलेगी? खाद अभी नहीं मिल रही है क्या? रीवा जिले में खाद नहीं मिलने के कारण लगभग 40% ही बोनी हो पाई है। ये दैनिक जागरण की खबर है कि जिले के आधे किसान डीएपी नहीं मिलने के कारण बोनी नहीं कर पाए हैं। अब मामला ये उठता है, आप सदस्यता अभियान तो मिस कॉल पर चलाते हो, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते हो, 3100 रुपये में धान खरीदने का वादा करते हो, 2700 में गेहूँ खरीदने का वादा करते हो। यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था मिट्टी हम किसानों की 3000 खरीदेंगे। आज आप किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो तो बोनी नहीं हो पा रही। जिले के 60% किसान बोनी नहीं कर पाए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यही डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट है? क्या यही जुमला है? क्या यही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार की गारंटी?
और मोहन यादव जी की गारंटी रीवा जिले के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनको अपने जिले में किसानों की बोनी करा पाने में सफलता नहीं मिल पा रही, आप खाद नहीं वितरित करा पा रहे हो, जिले के किसी समिति में खाद नहीं मिल रही है, और यदि किसानों को लाइन में लगने पर खाद मिलती तो दो बोरी, एक किसान का दो बोरी डीएपी से काम चल जाएगा। इतनी अव्यवस्था आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई है, ये उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की असफलता है और किसानों के साथ ये बीजेपी का अत्याचार है। भैया डीएपी की खाद से किसान जूझ रहा है, किस तरह की समस्या आ रही है, अभी तक किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है जिससे बोनी बहुत लेट हो रही है। 4000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे तो रहे हैं सिगुफा के नाम पे, किसान देते हैं ना, किसान के लिए कुछ देते हैं, अब वो किसान का खून चूस लें, इंजेक्शन लगा के चूसें, ये अब उनकी मर्जी है। किसान को भी सोचना पड़ेगा कि आप चुनते किस व्यक्ति को हो, उस व्यक्ति को जो 100% किसानों की हत्यारी सरकार होती है। आपको याद है मंदसौर के गोलीकांड, मंदसौर में जब हमारे किसानों के ऊपर निर्मम गोलीकांड हुआ था, आपको याद है, आज फिर से किसानों दिल्ली में बैठा हुआ है। भारत देश का उपराष्ट्रपति कहता है कि मैं दूसरे नंबर की पोस्ट में हूँ, और दूसरे नंबर की पोस्ट वाला फरियाद करता है कि आए दिन किसान फिर किसान बैठ गया। किसान इसलिए बैठ गया कि आपने किसानों की सुध नहीं लेते, बोलना है सिर्फ झूठ, झूठ के दम पे कुछ भी बोल दो और इसके बाद किसानों की सुध कौन लेगा। भाजपा के एजेंट बनाने के लिए मिस कॉल से अपना वो एजेंट बनाते हैं, भाजपा में एजेंट बनाओ मिस कॉल, अरे मिस कॉल से खाद दे दो, मिस कॉल से रोजगार दे दो, मिस कॉल से जनता की समस्या का समाधान कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार कहूँगा कि जो सरकार उद्योगपतियों के दम पे चलेगी, जो सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करेगी, अडानी के लिए काम करेगी, वो किसानों की सुध कैसे ले सकती है। आप याद करो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, और लाखों किसान वहाँ पर मर गए सिंघू बॉर्डर में, फिर से वही सिंघू बॉर्डर जाम हो गया। और आज शिवराज सिंह चौहान जी किस मंत्री हैं, और इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, निर्मम गोलीकांड हुआ था, और आज उपराष्ट्रपति भरे मंच से, जिस मंच को साझा उपराष्ट्रपति और कृषि मंत्री कर रहे हों, उस मंच से उपराष्ट्रपति कहते हो कि मैं नंबर दो की पोस्ट में बैठा हूँ। कृषि मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है। वो उपराष्ट्रपति भी दोषी हैं, वो भी जानते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे जो इस सरकार को, जो अडानी के दम पे काम करेगा, आप देखते रहना, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, मीडिया भी जानती है, बोल नहीं रही है। आए दिन जब अडानी की ट्रेन कोल ब्लॉक वाली निकलती है, तो जन शताब्दी और इनकी वंदे भारत जैसी ट्रेन भी दो दो घंटे तीन तीन घंटे रोक दी जाती हैं, पहले अडानी की ट्रेन निकलती है। ये भारत देश, ये वो लोग हैं, किसी प्रकार से देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस पार्टी के सेनानियों ने, और जब आज़ाद कराया था तो एक नारा आया कि हम सब एक हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान है। और आज हम फिर से बटोगे तो कटोगे की राजनीति में चल गए। अरे बटोगे तो कटोगे में आज दोनों किसानों को डीएपी। आज हमारे रीवा का किसान, कई किसान तो ऐसे हैं जो चार चार दिन खाना नहीं खाते और वहाँ पड़े रहते हैं। जाओ, उसके जिम्मेदार राजेंद्र शुक्ला जी नहीं हैं कि सिर्फ ये समदरिया का फीता काटने में काम करेंगे। राजेंद्र शुक्ला जी से पूछिए कि रीवा के किसानों को डीएपी क्यों नहीं मिल रही। पर वो क्या जाने, पड़वा बेचने वाले का बेटे किसानों का दर्द क्या जानेगा। किसानों का दर्द वो जानेगा जो किसान का बेटा होगा, जो किसानी जानता होगा, पड़वा बेचने वाले का बेटा नहीं जानेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 0762359974 पर,
या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।